Dear students, welcome to the classes of Ray Academy, and we are studying accounting for partnership firms, and the chapter is change in profit sharing ratio among the existing partners, and the concept is treatment of reserves and accumulated profits. The question is, Bhavya and Sakhi are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. On 31st March of the current year, their balance sheet was as under. Balance sheet de rakha hai. Balance sheet ke liability side mein de rakha hai investment fluctuation fund. And the amount is 20,000. Or furniture, asset side mein de rakha hai furniture, land and building investment 30,000 ka de rakha hai. और जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड में 23,400 है. एडजस्टमेंट में इन्होंने बताया दे पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 1:1 विद इमीडिएट इफेक्ट फॉर द पर्पस द डिसाइडेड दैट इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड एट ₹20,000 30,000 से 20,000 हो जाएगा. गुडविल विल बी वैल्यूड एट 26,000. देन जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स. तो यू आर रिक्वायर्ड टू last line, you are required to pass necessary journal entries in the books of the firm, show workings. Okay, first we will be doing the workings. Partner ke old ratio de rakha hai Bhavya aur Sakhi ka 3:2. New ratio of Bhavya and Sakhi 1:1. So sacrificing ratio is equal to old ratio minus new ratio. Then Bhavya sacrifice. Hum sacrifice nikalte. Agar positive mein aaya to sacrifice. अगर नेगेटिव में आया तो गेन. तो भव्य सैक्रिफाइस ये है 3/5 माइनस 1/2. 3/5 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू एलसीएम 10. देन 3 2 6 माइनस 5 1 5 दैट इज इक्वल टू 1/10. ये पॉजिटिव प्लस 1/10. तो भव्य जी सैक्रिफाइसिंग, जो सैक्रिफाइस करता है उसको मिलता है, यानी कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता है. तो भव्यास कैपिटल अकाउंट विल बी इंक्रीज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अ गुडविल एंड जनरल रिजर्व. देन साखी सैक्रिफाइस निकालेंगे, दैट इज 2/5 माइनस 1/2. 2/5 माइनस 1/2 दैट इज एलसीएम आएगा 5 2 10. देन 2 2 4 माइनस 5 1 5 तो दैट इज इक्वल टू माइनस बड़ा है माइनस 1/10. जहां पे माइनस आया दैट इज गेन, वो गेन हो गया उसका. तो हमेशा जो गेन करता है वो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि उसका कैपिटल से बुक एंट्री के लिए अमाउंट ट्रांसफर होगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को. देन कम्स योर ट्रीटमेंट फॉर जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व के लिए ट्रीटमेंट बोला है एंड गुडविल दोनों के लिए. इट इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग. गेनिंग पार्टनर का कैपिटल डेबिट होगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल क्रेडिट होगा. साखी विल ट्रांसफर और गिव फॉर जनरल रिजर्व. साखी के कैपिटल अकाउंट से जनरल रिजर्व साखी गेन कर रहा है तो इसलिए डेबिट होगा. 23,400 इंटू 1/10. ये जो गेनिंग शेयर है ना, गेनिंग शेयर उसमें मल्टीप्लाई होगा तो 23,400. लाइक वाइज भव्या विल टेक और गेट फॉर जनरल रिजर्व 23,400 का 1/10 दैट इज रुपीज 2,340. सेम वे ट्रीटमेंट फॉर जनरल रिजर्व एंड गुडविल गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग. ये जो है वही जनरल रिजर्व गुडविल सेम ही ट्रीटमेंट होगा. मैंने ऊपर जनरल रिजर्व के बारे में बताया, अभी आपको गुडविल के बारे में बता रहा हूँ. साखी विल ट्रांसफर फॉर गुडविल. गुडविल के लिए जो ट्रांसफर करेगा 24,000 का 1/10 2,400. साखी कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड 2,400. एंड भव्या विल टेक और गेट फॉर गुडविल. तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा ड्यू टू सैक्रिफाइस. तो 24,000 का 1/10 2,400. ये जो शेयर हम मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज गेनिंग शेयर, नॉट ओल्ड नॉट न्यू. गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग जो नेट शेयर होता है. तो नाउ इन्होंने बोला कि फेयर नोट बताओ बनाओ. तो फेयर नोट हम बनाएंगे. फेयर नोट में हम जर्नल एंट्रीज लिखेंगे और जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट इज रेडी. एंड यू कैन सी जो ईयर है, ईयर बुक से आप लिखना. क्वेश्चन में आपके दे रखा है ईयर, यू जस्ट नोट इट डाउन हियर. और ये रुपी फॉरवर्ड यानी कभी छोड़ना नहीं, इसीलिए ये एक लाइन हमने इसमें इन्वेस्ट कर दिया.
Then April 1 is the date March 31st का दे रखा है. Change in profit sharing ratio will be effective from April 1. तो April 1 को हम लिखेंगे investment fluctuation fund, fund account debit. Fund is a liability appearing in the liability side. तो ये आगे के लिए appear नहीं करेगा क्योंकि ये usual entry होता है. तो इसको हम credit item को debit कर देंगे तो it will be closed. तो investment fluctuation fund 20,000 इसको हम डेबिट में लिखा 20,000. और एडजस्टमेंट वन इन्वेस्टमेंट्स टू बी वैल्यूड एट रुपीज 20,000 इन्वेस्टमेंट 20,000 वैल्यूएशन किया जाएगा. तो इन्वेस्टमेंट विल बी वैल्यूड एट 20,000. तो 20,000 को अभी डिक्रीज कितना हो गया बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में थर्ड आइटम है तो इट इज डिक्रीज बाय 10,000. तो जितना डिक्रीज हो गया डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट या डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड एज पर द जनरल रूल. तो ये वाला है टू इन्वेस्टमेंट्स 10,000 डिक्रीज हो गया. डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज क्रेडिटेड टू भव्यास कैपिटल अकाउंट 6,000 टू भव्यास कैपिटल अकाउंट 6,000 एंड टू साखीस कैपिटल अकाउंट 4,000 टू भव्यास कैपिटल अकाउंट टू साखीस कैपिटल अकाउंट. जो और बचेगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्योंकि ये पैसे जमा करके रख रहे थे बिजनेस के पहले टेन्योर में टिल टुडे. तो वो जो पैसे जमा हुआ है उससे इन्वेस्टमेंट जितना घट गया उतना एडजस्ट कर देंगे. बाकी जो बचेगा उसको ओल्ड रेशियो में दोनों पार्टनर बांट लेंगे. तो नरेशन को क्लियर करके देना है. बींग यू कैन वी कैन सी द नरेशन बींग द बैलेंस इन द फंड इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स After crediting the decrease in the value of investments 10,000 as undistributed profits in old ratio. इसको लिया undistributed profit के हिसाब से old ratio. Then next same date में डीटो का सिंबल दो या डेट को दोबारा लिख दो. तो इट इज साखीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू भव्यास कैपिटल अकाउंट फॉर एडजस्ट मतलब 2,400 रुपए. ये होता है सेकेंड एडजस्टमेंट में दे रखा है गुडविल ऑफ द फार्म इज वैल्यूड एट 24,000 का 1/10 इट इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग. तो भव्यास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू साखीस कैपिटल अकाउंट. ये आया कहाँ से अब मैं आपको बड़े आराम से बता. भव्यास कैपिटल गुडविल के लिए दिस इज गुडविल के लिए ये वाला भव्यास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू साखीस कैपिटल अकाउंट. साखी को इट इज साखीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू साखीस कैपिटल अकाउंट भी डेबिटेड क्योंकि साखी इज गेनिंग. तो साखीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 2,400 टू भव्यास कैपिटल अकाउंट इट इज 2,400. तो नाउ यू कैन सी भव्यास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड साखीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू भव्यास कैपिटल अकाउंट बीइंग एडजस्टिंग जनरल एंट्री पास फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. नेक्स्ट सेम डेट अप्रैल 1 अगेन साखीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू भव्यास कैपिटल अकाउंट अमाउंट 2,340 being adjusting general entry passed for treatment of a general ledger for a change in profit sharing ratio. ऊपर वाला था for goodwill, ये नीचे वाला है general ledger के लिए. This is for general ledger. और question में बोला है, question पढ़ो. General ledger not to be distributed between the partners. General ledger हमेशा partner के capital account में distribute हो जाता है. उसका entry होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का एंट्री. आप देखो ये वाला एंट्री इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड. तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड इट विल बी 23400 टू भव्यास कैपिटल अकाउंट टू साखीस कैपिटल अकाउंट. बट ऐसे नहीं होगा ये. इसको क्या करेंगे इसको ऐसे यूजुअली अगर कुछ बताने तो करते हैं. इन्होंने डिसाइड किया है कि जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में ऐसे आता रहेगा ऐसे कंटिन्यू करेगा. तो साखीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू भव्यास कैपिटल अकाउंट इट इज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये दोनों केसेस में एक ही एंट्री हुआ. जैसे हमने गुडविल के लिए पास करा ऐसे हम जनरल रिजर्व के लिए पास करा. और जो भी उनका पूरा वैल्यू था उसका 1/10 मतलब जो टोटल वैल्यू जो है 1/10 वो टोटल वैल्यू से हमने 1/10 इनको दिया. 1/10 ऊपर वाले में वो 1/10. देन दिस इज ड्यू टू द अपीयरेंस ऑफ जनरल रिजर्व आफ्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल गया नया बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व अपीयर करेगा.
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अपियर नहीं करेगा। और गुडविल के लिए दिस इज द फिक्स्ड एवर एंट्री, गुडविल के लिए यही एंट्री हमेशा के लिए होता है, क्योंकि गुडविल आगे के लिए अपियर नहीं करेगा। अकॉर्डिंग टू रिसेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो गुडविल आगे के लिए बैलेंस शीट में अपियर नहीं करेगा। अगर पहले अपियर कर रहा था तो राइट अप कर देंगे, अगर अभी वैल्यूएशन हुआ है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करके उसको क्लोज कर देंगे। दिस वॉज ऑल अबाउट योर आंसर, जर्नल को हमेशा टोटल करते हैं, मैंने भी टोटल किया, दैट इज 24,740, दिस इज द अमाउंट। तो ये जो टोटल करे हमने जर्नल, जर्नल टोटल करने के बाद हमारा जो अमाउंट आया, दिस वॉज ऑल अबाउट। अगर मैंने आपको अच्छा पढ़ाया और आपको समझ में आया, प्लीज मेरे वीडियोज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, आगे के लिए आपको अच्छे वीडियोज और क्वालिटी वीडियोज मिलता रहेगा।